मुंबई के बांद्रा कुर्ला इलाके में रविवार की रात सुबह जियो साइक्लोथान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राजधानी के हजारों लोग सहित फिल्मी सितारे भी शामिल हुए। 100 किलोमीटर की साइक्लोथान रैली की शुरुआत बीकेसी के बेवर की बिल्डिंग से शुरू हुई, जो खेरवाड़ी बांद्रा और वल्ली से होते हुए 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। उधर मुंबई के नई मुंबई इलाके में एक परिचय विधवा की मदद के बहाने इंश्योरेंस के पैसे दिलवाने के नाम पर लोगों 64 लाख रुपए हड़प लिए। तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक दूल्हा साइकिल से शादी के मंडप में पहुंचा, पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर उसने अनोखे अंदाज में जरूर जताया। मुंबई के नई मुंबई इलाके में एक 50 वर्षीय विधवा को उसके पति की मृत्यु प्रमाण पत्र और इंश्योरेंस के पैसे दिलवाने के नाम पर लगभग 64 लाख रुपए हड़पने वाले 4 आरोपियों को वाशी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में मास्टरमाइंड सैमुअल पुणे की येरवाड़ा जेल में पुराने मामले में सजा काट रहा है। दरअसल एक विधवा पति के बीमे की रकम पाने के लिए एक परिचित की मदद मांगी थी। परिचित ने अपने 3 मित्रों की मदद से विधवा का बैंक में खाता खोलकर उसके 64 लाख रुपए में हेराफेरी भी की। महिला जब इस बात की भनक लगी तो थाने में शिकायत के लिए पहुंची। शिकायत मिलते ही पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हाँ, वाशी पोलीस स्टेशन या ठिकाणी एक श्रीमती बंदिता पॉल यांच्या पतीचं निधन झाल्यानंतर त्यांना जी इन्शुरन्स मधून रक्कम मिळणार होती त्या रकमेचा अपहार केल्याबद्दल ICICI प्रुडेन्शियल कंपनीचे मॅनेजर आशिष चंद्रा यांच्या फिर्यादीवरून एक फिर्याद दाखल आहे। बंदिता पॉल यांचा एक नातेवाईक आणि जवळचा व्यक्ती सॅम्युअल यांनी आणखी 2 आरोपींची मदत घेऊन बंदिता पॉल यांचे खोटे डॉक्युमेंट्स तयार केले आणि त्यांच्या नावाने एक बनावट अकाउंट उघडलं, जे की किरण रवी औंध याच्या बिल्डिंग से शुरू हुई, जो खेरवाड़ी बांद्रा और वर्ली होते हुए 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। बता दें, इस रैली को दूरी के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। जियो की साइक्लोथॉन रैली में मुंबई के हजारों लोगों ने भाग लिया। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी और टाइगर साहब जैसी फिल्म हस्तियों के अलावा विश्वास नागर, पाटिल, प्रणाली शिंदे ने रैली में शामिल होकर फ्लैग ऑफ कर रैली की शुरुआत की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इन दिनों एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई। दरअसल युवक पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से इस तरह परेशान होकर उसने अपनी शादी को अनेक अंदाज में महंगाई का विरोध जताया। देश भर में डीजल पेट्रोल के आसमान छूते दाम से परेशान होकर युवक दूल्हा साइकिल से अपनी बारात लेकर मंडप तक पहुंचा और शादी की। प्रवीण डांगे नाम का दूल्हा एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। बता दें, इससे पहले भी जिले में पानी की समस्या को लेकर दूल्हा पानी के टैंकर के पर बारात लेकर मंडप पहुंचा था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मुझे गैरकानूनी तरीके से जेल में डाला गया, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दीजिए, मैं मरने को भी तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे लोगों को फंसाया जा रहा है। सांसद ने कहा कि इस पूरे मामले में जांच उसके लिए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई में एक कमेटी बने और पूरे मामले की जांच करे। उन्होंने कहा कि देश में इन दिनों सब लोग डर के जी रहे हैं।